हे राजस्थानी हॉर्सेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाने वाले एक बिल्कुल जेड ब्लैक काला घोड़ा। तो जानते हैं काका से इनके घोड़े के बारे में। जी सर, एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा मंगल काका नाम है। मंगल काका हाँ जी। सर, अपने फार्म की लोकेशन क्या है? अपने फार्म की ये घोड़े घोड़े रखते हैं। अच्छा। सेल भी करते हैं। अच्छा, सेल का ही काम है मतलब। और ये जो घोड़ा है ये कौन सी नस्ल का है? ये मारवाड़ी नस्ल का है। मारवाड़ी नस्ल का। जी सर, आपने कहाँ से परचेस किया था इसको? ये तो यहाँ से मोल लिया था, छोटा बच्चा लाया था। कितने महीने का? ये 3-4 महीने का था। 3 महीने का था ये तो। 3 महीने का। और अभी हाइट की बात करें तो इसकी 60 है अभी। 60 है। आपने ही पाला इसको? इसको आपने नहीं पाला। तो वैसे इसको जब तक आपने जैसे मतलब नॉर्मल पाला था तब क्या डाइट वगैरह दी थी इसको? जो ये जोका दलिया है, रचका है। जोका दलिया रचका उत्ती है। ये पूरा मतलब कहीं से भी वो सफेद वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जेड ब्लैक है, बिल्कुल काला भंवर है। काला भंवर है। तो इसको कवरिंग वगैरह करते हो या नहीं? राइडिंग करते हैं ना बच्चे। अच्छा, बच्चे राइडिंग के लिए घूमते बच्चे राइडिंग पे। और मैंने सुना है जैसे ये काले घोड़े की नाल भी काफी वो रहती है। नाल भी बेचते हैं, 1100 रुपए की दे देते हैं, 551 की दे देते हैं। वैसे नाल वगैरह से मतलब कुछ फायदा होता है? होता है, जब भी लेके जाते हैं पब्लिक। अच्छा, काले घोड़े की नाल मिलती नहीं है। काला भंवर डाई करे हुए रखते हैं बहुत। ये पूरा ओरिजिनल काला? बिल्कुल काला। और जैसे कवरिंग वगैरह का चालू नहीं गए? ये चालू है ना। अच्छा, कवरिंग कितनी घोड़ियां हो चुकी है इससे? इससे हो गई कम से कम 25-30 घोड़ी हो गई। 25-30। तो जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं, नगर भी लाए हैं और लाल कुमेद भी लाए हैं, काला पच कल्याण भी लाए हैं, काली भी लाए हैं। अच्छा, सब ब्रीड लाता है। सब ब्रीड। जैसे अपन मतलब इसको नुकरी घोड़ी पे कवर करवाए तो ये बच्चा किस तरीके का लेके? देखो, बच्चा तो ऐसे है कि माँ पे भी चल जाता है, बाप पे भी चल जाता है। अच्छा, और कोई दूसरा भी हो जाता है, 911 से इसे भी हो जाता है। तो मतलब आपके यहाँ पे किसी घोड़ी ने ठाण दिया है क्या? दिया नहीं है, यहाँ ही दिया अभी ठाण। अच्छा, अपने डोराई गांव में? हाँ, काली बच्ची है भंवर। काली बच्ची भंवर। और वैसे इसकी कवरिंग की फीस वगैरह? 5100 रुपये। 5100 रुपये। और नाल मतलब कोई किसी टाइम को उतारते हो या मतलब जब चाहिए तभी खोल देते हो? जब चाहिए जब भी खोल देते हैं, जब ग्राहक आता है खोल देते हैं। और देते हैं। कितने दिन में मतलब दूसरी लगवाते हो इसकी नाल वगैरह? इसके तो 2-3 दिन में लगा देते हैं वापस। आप खुद ही लगाते हो या किसी दूसरे? खुद ही लगाते हैं हम तो। अच्छा, खुद ही लगाते हो। और तो सिर्फ ये नाल वगैरह के काम में आता है और क्रॉसिंग के काम में आता है ये घोड़ा? और बच्चे घूमते हैं इसमें। आपको करीबन कितना टाइम हो गया इसको? इसको हो गया अपन को 10-12 साल। 10-12 साल। तो ये सेल वगैरह के लिए थोड़ी है? सेल के लिए नहीं है। सेल तो करना ही नहीं है। अच्छा, ये यही रहेगा। आपको मतलब कैसे शौक लगा इस घोड़े के बारे में कि ये ले लेना चाहिए अपन को? ये तो बचपन से शौक लगा हुआ था। पहले ऊंट रखता था, फिर घोड़े घोड़े रखने लग गया, तो बचपन के पाल लिया मैंने बच्चा। मैंने कहा यार, जब ये लिया था तब सिर्फ एक ही बच्चा था आपके पास? हाँ, और आज भी था घोड़ा। आज की टाइम में 3-4 घोड़ियां हैं अभी। अच्छा, अपना सेल परचेस का काम होगा? सेल परचेस का काम। जी सर, एक बार आपका अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दीजिए। अपने नंबर है 9928-3-4-5। ओके, 5 के बाद 0-1।